नवरात्रि का पावन पर्व न सिर्फ भक्ति और आस्था का समय होता है, बल्कि ये वो समय है जब साधक अपनी साधना के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही साधक की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने अपनी अनोखी साधना के माध्यम से समाज के कल्याण की दिशा में एक विशेष योगदान दिया है। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के जगदीशानंद महाराज की इस अनूठी साधना के बारे में। ये चैत्र महीना की नवरात्रि में माँ भगवती नवदुर्गा का रूप रहता है, तो उसी के ज्वारा हम लोग बोते हैं। तो कोई घर में बोता है, कोई कहीं बोता है, कोई मंदिर में बोता है। तो हम साधु है तो जगत हित कल्याण के लिए समाधि लेते हैं जमीन में और उसके ऊपर माँ भगवती की वाणी स्थापित करते हैं, ज्वारा बोते हैं। तो वो ऊर्जा रहती है माँ के अंदर, तो उसी से 9 दिन खाना पीना सब बंद करके माँ के भजन करते हैं, उसी भजन से जगत का कल्याण होता है। जगदीशानंद महाराज जो मूल रूप से गुजरात के निवासी हैं, पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से साधना में लीन हैं। एक समय था जब वे मुंबई में 2 शॉपिंग मॉल चलाते थे, लेकिन फिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर अपना रुख किया और जीवन को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक साधना को समर्पित कर दिया। ये मैं बचपन से ही करता हूँ, क्योंकि मेरे समझ में एक ही बात है कि जगत का कल्याण होगा तो ही मेरा कल्याण होगा। जो मतलब हमारी भाषा गुजराती में कहते, कुआ में होगा तो हवाड़े में आएगा। तो मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको दे सकूंगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा तो कैसे दे सकूंगा। तो इसी से जगत का कल्याण करना है। कोई आपत आती है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं सबको बचाऊंगा, और मेरे पास 5 है उसको तो मैं रक्षा कर सकता हूँ, यही सिद्धि प्राप्त करते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान जगदीशानंद महाराज ने विशेष प्रकार की साधना की, जिसे ज्वार समाधि कहा जाता है। इस साधना में वे 9 दिन तक जमीन के भीतर रहते हैं, जहां उनके ऊपर ज्वारे बोए जाते हैं। इस दौरान वे निर्जला उपवास पर रहते हैं और पूरी तरह से देवी की साधना में लीन रहते हैं। उनका मानना है कि इस साधना से उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो उन्हें जगत कल्याण के लिए सिद्धियां प्राप्त करने में सहायता करती हैं। जगदीशानंद महाराज की इस अनोखी साधना के पीछे का उद्देश्य सिर्फ अध्यात्म उन्नति नहीं, बल्कि समाज के कल्याण और लोगों की रक्षा करना भी है। नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी बच्चे सब है, ब्राह्मण हूँ और संन्यास भी हूँ, पर संसार में रहकर भक्ति करता हूँ। 3-4 आश्रम भी है, सब चलाता हूँ और माँ की भक्ति करता रहता हूँ। बस पहले ईश्वर की लाइन में ही था, बचपन से ही 8 साल का था तब रेती से हवन करता था, मध गिरा के उसको हवन करना, यही मतलब बचपन से था। शादी करा ली घर वालों ने जबरदस्ती, तो गुरु जी ने बोला संसार में रहकर भक्ति करता हूँ, संसार में रहकर भक्ति करता हूँ, उनको भी पालता हूँ और साधना भी करता हूँ, दोनों करता हूँ। उनका यह कठोर तप उन्हें उन सिद्धियों को प्राप्त करने में सहायता करता है जो वह लोगों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं। आपको बता दें, जगदीशानंद जमीन में समाधि लेकर आराधना पहली बार नहीं कर रहे, इससे पहले लगभग 20 से 25 बार कर चुके हैं। नेपाल में हिमालय में स्थित मुक्तिनाथ पर्वत, नीलकंठ पर्वत में भी वह 6-6 महीने इसी प्रकार रहे हैं। वहां -0 डिग्री तापमान रहता था। समाधि के दौरान उनका सिर बाहर रहता है, जबकि पूरा शरीर जमीन के अंदर रहता है। उनका मानना है कि जगत कल्याण के लिए, लोगों की रक्षा के लिए सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो। लोकल 18 खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।